तो दोस्तों, एक दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश है और दूसरा दुनिया का सबसे लोकतंत्र। ऐसे में अगर दोनों देश साथ में आ जाएं तो तानाशाह के पसीने छूटने तो पक्के हैं। तो अब यही हाल चीन का है अमेरिका और भारत की दोस्ती को देखकर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और भारत के करीब आने से चीन क्यों घबराया हुआ है और कैसे शुरू हुई अमेरिका और भारत की दोस्ती जिसने शी जिनपिंग के रातों की नींद उड़ा दी, जिसके तहत चीन ने भारत को अमेरिका से दूर रहने की सलाह तक दे दी है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरे को काफी ऐतिहासिक माना गया था। अब ऐसा मानने के पीछे भी वजह है क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए व्यापारिक और मिलिट्री समझौते के अलावा एक और खास चीज थी जो देखने लायक थी। वो थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री, जिसे देखकर चीन को गहरा झटका लगा था और उसने भारत को अमेरिका से सावधान रहने की सलाह तक दे दी थी। दरअसल चीन ने अपने चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम के जरिए भारत को अमेरिका के चाल में ना फंसने की चेतावनी दी है। इस आर्टिकल में चाइना ने कहा है कि अमेरिका धोखेबाज है और वह रशिया और चाइना से टक्कर लेने के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है। तो चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि अमेरिका ऐसा कर भी रहा है, लेकिन चीन को भारत की इतनी चिंता क्यों हो रही है भला? वही भारत जिसे चीन देखना पसंद नहीं करता, जिससे चीन की पुरानी दुश्मनी है और बॉर्डर पर हर समय तनाव का माहौल बना रहता है, अब वो भारत को अलर्ट रहने को क्यों कह रहा है? ये कुछ हजम नहीं हो रहा। आखिर चीन चाहता क्या है? तो दरअसल एक तरफ अमेरिकी जैसी महाशक्ति है जिसे साइड करके चीन खुद को ऐसा सुपर पावर बनाना चाहता है जिसकी मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी ना हिले। सिंपल भाषा में कहे तो चीन दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाहता है ताकि कोई भी बड़ा फैसला उसकी परमिशन के बिना ना हो पाए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की जो इकोनॉमी और मिलिट्री पावर जैसे हर फील्ड में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और जिसे चीन हराना चाहता है, लेकिन चाहे अरुणाचल प्रदेश का तवांग हो या फिर लद्दाख की गलवान घाटी, हर जगह भारतीय सेना ने चीन को बहुत ही अच्छे से धोया है। ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के नजदीकी ने चीन के इस गेम को शुरू होने से पहले ही ओवर कर दिया, क्योंकि भारत को अमेरिका जैसी महाशक्ति का साथ मिलने का मतलब है कि चीन के लिए भारत को हराना थोड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। वहीं भारत की दोस्ती अमेरिका के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि भारत के साथ साथ अमेरिका भी चीन का दुश्मन है। इसके अलावा भारत अमेरिका के क्वाड ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबर है, जिसे चीन अपने खिलाफ मानता है। चीन का मानना है कि अमेरिका ने क्वाड को उसे घेरने के लिए ठीक वैसे ही तैयार किया है जैसे यूरोप में रूस को घेरने के लिए नाटो बनाया था, और चार देशों का यह संगठन चीन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में महाशक्ति अमेरिका और भारत जैसे विकासशील देश की दोस्ती का मतलब है चीन का सुपर पावर बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसके अलावा एक और कारण है जिसके वजह से चीन को अमेरिका और भारत की दोस्ती राज नहीं आ रही, वो है बिजनेस यानी व्यापार। दरअसल आज के समय में चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वहीं दूसरी तरफ चीन की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रोडक्शन पावर है। इसका कारण है चीन के सस्ते मजदूर, यानी वहां के मजदूर कम सैलरी में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस वजह से दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को चीन से ही आउटसोर्स कराती हैं। लेकिन अमेरिका से भारत की दोस्ती और दोनों देशों के चीन के अनबन होने से ये तस्वीर चेंज हो सकती है। दरअसल भारत के पास मजदूरों की ताकत है, ऐसे में अमेरिका ने प्रोडक्शन के लिए अपनी कंपनियों को भारत की तरफ रुख करने का इशारा कर दिया तो चीन के लिए अपनी इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखने में बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत के लिए ये बात सोने पर सुहागा जैसा होगा, क्योंकि भारत में पैसा डॉलर के फॉर्म में आएगा और इससे न केवल इकोनॉमी बढ़ेगी बल्कि रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी। वहीं चीन को एक और बड़ा डर ये सता रहा है कि अगर भारत अमेरिका के बीच इस तरह मिलिट्री हथियारों की बड़ी डील्स होती रही तो भारत के फौज के पास अच्छी क्वालिटी के ऐसे हथियार आ जाएंगे जिनका सामना करना चीन की आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और अमेरिका की जोड़ी चीन के ख्वाबों को नाकाम कर देंगी? कमेंट्स जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।